नमो धृतराष्ट्राय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमकारो सव पापणासनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने के हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। सबसे पहली बात यह है कि हमने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी सुना है या जो कुछ भी पढ़ा है, वो ट्रेडिशनल के तौर में जाना है, पढ़ा है या सुना है, परंपरागत तौर पे। कौन से तौर पे? परंपरागत तौर पे। हमने ये जानने की कोशिश नहीं किया है कि जो शास्त्रों में लिखा है वो चीज का अनुभव आज जीवन जीवित व्यक्ति में किसमें है, वो देखने का प्रयास नहीं किया। जो कुछ शास्त्र में लिखा गया है वो जीवित व्यक्ति के पास है अनुभव नहीं है, वो अभी तक हमने प्रयास नहीं किया और किताबों के माध्यम से ही जीवन जीना हमने शुरू कर दिया। नंबर पहली बात, तो किताबों जिसने लिखी है वो कोई मूल पुरुष नहीं थे, न राम थे, न कृष्ण थे, न महावीर थे। कोई भी मूल पुरुष ने कभी किताब लिखी नहीं है और लिखते भी नहीं है। क्या बताया? इसलिए उनकी बात नहीं है, कोई भी नहीं लिखेंगे। अनुभवी ही उसको कहते हैं जो लिखते नहीं है, जो अनुभव होते हैं वो बताते हैं। क्या करते हैं? कोई भी अनुभव पुरुष लेखक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? नहीं होते। दादा भगवान की बात करें हम, जितनी भी आप वाणी है कभी कहीं जगह पे आपको लेखक नहीं लिखेगा। संकलित कर्ता ने संकलित किया, उनके सत्संग को संकलित किया है, उन्होंने एक भी सेंटेंस लिखा नहीं। ज्ञानी लिखते नहीं है, अपना अनुभव जगत को शेयर करते। वो उसके जाने के बाद, मूल पुरुष को जाने के बाद, उनकी परंपरा में जो लोग विश्वास करते हैं उनमें से कहीं जो जिसकी प्रकृति में लेखन की वृत्ति लेके आया है, वो ऐसे महान पुरुषों के जीवन में जो कुछ भी घटना हुई उसके मुताबिक वो लिखते हैं। मूल पुरुष नहीं लिखते, उसके बाद लिखते हैं। वो लिखी हुई किताब
फिर हम आज पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे तो दृष्टि तो हमारी रहेगी, जो लिखी है वो दृष्टि उनकी रहेगी, और जो अनुभव किया है उनकी दृष्टि तीसरी है। नहीं समझे आप? तीन दृष्टि हो गई तो लिंक मिलती है, आप समझे। और दूसरी बात यह है, हमारे भारतवर्ष के अंदर 99% परंपरा यह रही है कि जो भी धर्मगुरु होते हैं वो शास्त्र का अध्ययन करके उनकी अपनी सोच को उस शास्त्र के अध्ययन के मुताबिक बना के हमको शास्त्रों की बात बताने का प्रयास करते हैं। हर धर्मगुरु की बात करता हूं, मगर ज्यादातर हमारी भारतीय परंपरा में यह होता है कि ज्यादातर सत्संग के अंदर प्रवचन होता है, आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता है। Am I right or wrong? चलो 100 में से एक नहीं, क्यों हम 5% भी नहीं, चलो 5% के अंदर यहाँ प्रश्नोत्तरी हो सकती है, मगर 95 में तो है ही नहीं। जो भी कहते हैं हमको सुनना है, और उनका आधार क्या है? शास्त्र। क्या है? शास्त्र। वो ये नहीं कहेंगे कि शास्त्रों में जो लिखा है ये मेरा अनुभव है और मेरा अनुभव आपको पेश करता हूं, ये नहीं बताएंगे। शास्त्रों में ये लिखा गया है उस पर मेरी सोच ये है ये बताएगा, ये नहीं कहेगा कि मेरा अनुभव है। तो ये बहुत आध्यात्म मार्ग में ये कमी है। क्या है? राम के बाद कृष्ण हुए, कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा था कि राम ने ये कहा था। उसके बाद महावीर हुए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि राम और कृष्ण ने ये कहा था। क्यों ऐसा नहीं कहा? क्या वो लोग गलत थे? नहीं, हर अनुभव व्यक्ति अपनी बात करता है, क्योंकि अनुभव है। जो नहीं है वो परंपरागत में जिएंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? किसी का तो आधार लेना पड़ेगा ना, चाहे किताब का लो चाहे गुरु का लो, लेना पड़ेगा ना। जब मेरे पास अनुभव नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि जो परंपरागत जो मैंने सोचा है समझा है सुना है वही आपको बताऊंगा ना। मैं जो बताऊंगा उसमें मेरा अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मेरे को अनुभव नहीं है। मेरे पास नॉलेज है। क्या है नॉलेज और अनुभव में बहुत डिफरेंस है। आज ऐसा अच्छा वक्ता भी अपनी नॉलेज के मुताबिक आम लोगों को प्रभावित कर सकता है नॉलेज से, मगर वो ये नहीं कह सकते कि जो मैं बता रहा हूं वो मेरा अनुभव है, वो नहीं बता सकते। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद अच्छी अच्छी बातें संकलित करके पेपर में रखते हैं, और पेपर में भी शॉर्ट हैंड में रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉइंट्स के फॉर्म में रखते हैं, और बाद में एक पॉइंट से मालूम होता है कि मेरे को क्या डिस्क्राइब करना है, और आम जनता उसी मुद्दे से प्रभावित होती है, मगर ये अनुभव नहीं है। इट्स अ गुड नॉलेज लाइक अ गुड टीचर, और अनुभव है वो टोटल डिफरेंट बात है। हर अनुभवी की बातें मौलिक होती है। क्या होती है? मर्म एक ही है, मगर प्रेजेंटेशन मौलिक होता है, और वो भी समय के अधीन होता है। क्या होता है? राम ने अपनी बात अपने समय बताई, अनुभव की बात, और कृष्ण ने अपनी बात अनुभव में की अपने समय बताई, और महावीर ने वही अनुभव की बात अपने समय बताई, और दादा भगवान ने बताई वो अपने समय बताई। ये सब अनुभवी थे, मगर सबकी भाषा अलग अलग, मर्म एक ही। तो हम कहेंगे कि दादा भगवान ने कहा वो गीता में कहा है, कृष्ण में कहा है, आगम में कहा है, तो शब्द नहीं मिलते हैं। क्या बताया? मर्म मिलते हैं। क्या मिलता है? जैसे एक पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, मगर जो सबका गोल है वो तो आप समझे, तो सबका सेंटर पॉइंट एक है। इसलिए वो कैसे कि हम वहां कैसे पहुंचते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। तो कोई यहां से पहुंचे तो यहां का अनुभव बताएंगे, कोई यहां से पहुंचे तो यहां का अनुभव बताएंगे, कोई यहां से निकले तो यहां का अनुभव बताएंगे। सभी का अनुभव गलत नहीं है, सही है, मगर अनुभव होना वो पहली कंडीशन है आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। जहां तक मेरे को अनुभव नहीं है और मैं आपको कोई बात बताऊंगा शास्त्रों की, तो उतना जरूर समझना कि वो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं भी उनके पास से नॉलेज ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? और यहां ट्रेजेडी ये होती है, ट्रेजेडी समझते ना, ट्रेजेडी ये होती है कि गुरु के पास जब से उन्होंने संन्यास लिया, और शायद उसकी एज 70, 80 या 90 होगी, वो कभी नहीं कहते कि मेरे को अनुभव हुआ।
और सुनने वाले उनका सुनकर प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होना वो अच्छी बात है, प्रगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहने वाले को भी 40, 50, 60, 17 साल के बाद भी अनुभव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अनुभव नहीं हुआ। दे हैव अ गुड नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस। और अध्यात्म मार्ग की सच्चाई अनुभव से शुरू होती है। किससे होती है? अनुभव। ऐसा नहीं कि संपूर्ण अनुभव हुआ, जितना भी हुआ आप अनुभव पेश करोगे उसमें आपकी मौलिकता होनी चाहिए, ये स्पेशलिटी है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिपीटेशन का मतलब होता है ट्रेडिशनल ज्ञान। वो गलत नहीं है, ट्रेडिशनल ज्ञान गलत नहीं है, मगर बिना अनुभव में बताऊंगा तो वही प्रूफ है कि मेरे को भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको प्रमाण कैसे दे सकता हूं कि आपको होगा? दे सकता हूं नहीं। अगर मेरे को अनुभव नहीं हुआ है फिर भी वही बात मैं आपको बता रहा हूं एज पर माई नॉलेज, तो क्या आपको अनुभव हो सकेगा ऐसा मैं प्रमाण दे सकता हूं? आई जस्ट ट्रांसफर द नॉलेज, दैट्स इट। और जो अनुभवी व्यक्ति होती है वो खुद प्रमाण दे सकती है, क्योंकि मेरे को अनुभव है तो मैं आपको, आप भी अनुभव कर सकते हैं, मैं खुद प्रमाण हूं। तो ये अनुभव होता है तब वो बोल सकते हैं, बाकी दे ट्रांसफर द नॉलेज इन डिफरेंट रिलीजन। तो आध्यात्म मार्ग अनुभव से शुरू होता है और धर्म का मार्ग नॉलेज और रिचुअल से शुरू होता है। नॉलेज और रिचुअल्स, उससे धर्मों का मार्ग चलता है और आध्यात्म का मार्ग अनुभव से होता है, वहां से शुरू होता है। बिना अनुभव आध्यात्म मार्ग की बिगिनिंग नहीं है, वहां तक नॉलेज एंड रिचुअल्स है। समझ में आया ना? एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि आखिर आध्यात्म मार्ग में प्रगति करने के लिए भी पुण्य की जरूरत है, तो अच्छा काम करोगे तो ही पुण्य बनेगा, तो पुण्य की तो जरूरत है, पाप की जरूरत नहीं है। और हमारे सभी धर्म कहते हैं कि पाप नहीं करो पुण्य करो, ऐसी क्रियाएं ऐसी भावनाएं ऐसी भक्ति हमको बता रहे हैं, हर धर्म वाले की बात है। तो स्वामी जी विज्ञान में, आध्यात्म विज्ञान में और धर्म के मार्ग में बेसिक क्या डिफरेंट है? लोग तो प्रश्न करेंगे ना, उनको जानना है। तो मैंने कहा ऑफकोर्स आध्यात्म मार्ग में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पुण्य की जरूरत है, मगर वो पुण्य के अंदर नियत क्या है वो इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली द बैलेंस। क्या बताया? नियत। आपका पुण्य के साथ आपको मुक्ति पाना है जी। मुक्त पुरुष की खोज है या भौतिक चीजों में सहाय करे वो गुरु की जरूरत है, ये नियत की बात है। क्या है? दोनों में पुण्य की जरूरत है। अगर भौतिक संपत्ति प्राप्त करना है तो ये पुण्य की जरूरत है, और कोई गुरु, गुरु के आशीर्वाद से भी ये हो सकता है। अगर मेरी पुण्य हो तो वो निमित्त बन सकते हैं, मगर उसमें मेरी नियत संसारिक है। और यहां मेरे को कोई गुरु मिले, कोई ज्ञानी मिले, उसका आशय मेरे को ये ताकि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं। तो यहां दोनों में नियत अलग है और दोनों में पुण्य की जरूरत है। तो पहली बात ये नियत की बात है, और दूसरी बात यह है पुण्य और पाप दोनों ऐसी चीजें हैं जो खत्म होने वाली है। क्या है? और आध्यात्म मार्ग की प्रगति डेवलपमेंट से होती है, जो कभी खत्म नहीं होता है। बर्थ टू बर्थ डेवलपमेंट कैलिब्रो होता है, और पाप और पुण्य हर अवतार में खत्म होता है। मैंने बहुत पुण्य किया, मैं देवलोक में गया, जब मेरी आयुष खत्म हो गई वहां से जीरो होके वापिस आया, जीरो होके खत्म हो गए, मेरी बैलेंस से खत्म हो गई। यहां भी पुण्य से मैंने बहुत संपत्ति, साधना, नामना, कीर्ति, साधन सब कुछ कमाया मैंने सब कुछ की भुगतान भी किया, मगर मर जाने के बाद क्या हो गया? मेरा पुण्य जीरो। तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो आध्यात्म मार्ग का मतलब होता है आपके पास जो कुछ भी है वो आगे ले जा सकते हो, ऐसी चीज आप में होनी चाहिए। तो उसका नाम है डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट दो प्रकार का है, एक भौतिक डेवलपमेंट, एक आध्यात्मिक डेवलपमेंट।
जो भौतिक है वो विनाशी चीज की ज्ञान आपको देते हैं, जिसमें आप संशोधन करके नामना पैसा सब कुछ कमा सकते हैं। और दूसरा आध्यात्म विकास है, जो इस दुनिया का सनातन सत्य जान के आपके अंदर हर प्रश्नों का कायमी समाधान दे सके, परमानेंट सॉल्यूशन, और जिससे आप में इतनी बड़ी वैराग्यता बनती है ताकि बिना वस्तु को त्याग किए, बिना वस्तु को ग्रहण किए आप वैरागी हो सकते हैं। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं, क्या बताया? वैराग्य का मतलब त्याग नहीं है, वैराग्य का मतलब है साधन संपत्ति संबंध और सत्ता की वैल्यू अपनी दृष्टि में जीरो हो जाना। उससे बड़ा वैराग्य इस संसार में कोई नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ छोड़ दिया मगर वैल्यू है मेरे, मैंने 2 करोड़ का मकान छोड़ दिया, बीबी बच्चे छोड़ दिया, 2-5 करोड़ की फैक्ट्री छोड़ दिया, इतनी संपत्ति छोड़ दिया, मतलब आपने फिजिकल वैराग्य तो लिया है मगर आज भी जो छोड़ा है उनकी वैल्यू है तो सच्चा वैराग्य नहीं है। अहंकार नहीं, यानी आपकी नजर में आज भी भौतिक चीजों की वैल्यू है। तब ज्ञानी कहते हैं जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तब ये हीरो की वैल्यू समझ में आएगी, नहीं तो जीरो की वैल्यू करोगे वहां तब तो उसी में रहोगे। तो जीरो वैल्यू करने का मतलब त्याग नहीं, अपना हिसाब है तो मिलेगी, हिसाब खत्म होगा तो चली जाएगी, मगर आते हैं तो राग नहीं और जाता है तो द्वेष नहीं, उसमें त्याग और ग्रहण की बात नहीं होती है। तो ये वैराग्य की परिभाषा है। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञानी पुरुष के अनुभव ही मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का साधन है, और वो साधन को प्राप्त करने के लिए या तो वो मार्ग पे आगे जाने के लिए अनुभवी पुरुष मिलना वो पहली कंडीशन है। नॉलेज वाला तो लाखों की संख्या में होते हैं, क्या बताया? किताबों से पढ़ के ज्ञान पाया है, ऐसे तो लाखों व्यक्ति साधु संत और सन्यासी के फॉर्म में भी हो सकते हैं और संसारी के फॉर्म में भी प्रवचनकार हो सकते हैं, जो लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं और कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है आध्यात्म मार्ग में, लौकिक जगत में उसकी वैल्यू है और होनी चाहिए, क्योंकि मास ऑफ पीपल को एक साथ बैठ के मुक्त पुरुष या ज्ञानी पुरुष ज्ञान नहीं दे सकते, क्या बताया? मुक्त पुरुष ज्ञान नहीं दे सकते। आप कभी नहीं सुनोगे कि तीर्थंकर के पास या रामकृष्ण महावीर के पास ऐसे समर्थ पुरुषों पास लाखों लोग जाते थे, ऐसा आपको पढ़ने में कभी नहीं आएगा। मगर जहां ट्रेडिशनल ज्ञान होता है, जो ज्ञान फिजिकल एप्लीकेशन के फॉर्म में होता है, क्या बताया? जैसे तप करना है, जप करना है, पूजा पाठ करना है, भक्ति करना है, ऐसी कोई बात होगी जहां संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि आम लोग उसको समझ के फॉलो आसानी से कर सकते हैं। जब आध्यात्म विज्ञान की बात आती है तो वहां क्या होता है, द पीपल दे हैव इंटरेस्ट ना टू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, ये जगत की सच्चाई जानना है, उनके लिए मार्ग है, सबके लिए नहीं होता है, इसीलिए वहां भीड़ नहीं होती है। आपको शायद मालूम होगा साउथ के अंदर रमन महर्षि का नाम सुना होगा, हाँ। और रामकृष्ण परमहंस कभी सुना है? उन्होंने लाखों के सामने प्रवचन किया है, इसकी हिस्ट्री में है, पूरी लाइफ की हिस्ट्री की बात करता हूं। वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं, इकट्ठा करो उसमें इंटरेस्ट, वो सहज आते हैं, सहज जाते हैं, बहुत हो गए। उनको समारंभ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप समझे ना? उनके जाने के बाद जो कुछ भी होता है उसको हम अभी नजरअंदाज करते हैं, मैं उनकी प्रेजेंस की बात करता हूं। जैसे श्रीमद राजचंद्र हो गए, वो बड़े ज्ञानी हो गए, उन्होंने कभी 500 व्यक्ति को सामने प्रवचन नहीं किया है, आज उनके लाखों ने करोड़ों फॉलोअर्स है पूरे विश्व के अंदर। तो मैं प्रेजेंस की बात करता हूं, बाद में तो होंगे। राम ने कभी 500 व्यक्ति के सामने प्रवचन नहीं किया है, कृष्ण ने भी नहीं किया है, मगर आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं।
मगर जो खुद हाजिर होते तब ऐसा नहीं होता है। तो मैं हाजिर की बात करता हूँ, मैं परंपरा की बात नहीं करता हूँ। तो ज्ञान अनुभव ज्ञान जीवित तब तक होता है जब अनुभवी पुरुष प्रत्यक्ष होते हैं। बाद में ट्रेडिशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? दादा भगवान ने खुद कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी जो आप्तवाणी है वो वन पर, वो क्या बोलता है, एक आना यानी क्या पा रहे हैं, क्या बोलते हैं, वन पर्सन या टू पर्सन, नहीं है वो, नहीं है एक आना, मतलब छह पैसा क्या बोलते थे, हाँ एक आनी भी फल नहीं देगा, एक आनी चार आना यानी 24 25 पैसा, हाँ एक आना भी फल नहीं देगा। मैं शब्द शब्द उसका रिपीट करता हूँ इसीलिए ताकि हो सके गलती नहीं हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी किताबों का एक आनी भी फल नहीं मिलेगा। उन्होंने भी यही कहा, यू नो द वैल्यू ऑफ प्रत्यक्ष। श्रीमद रामचंद्र इतने बड़े महान ज्ञानी हो गए, उन्होंने भी यही कहा, प्रत्यक्ष सदगुरु योग थी स्वच्छंद ते रुकाए, अन्य उपाय कर्या थे कि प्राय बमणो था। स्वच्छंद को रोकना है तो प्रत्यक्ष गुरु चाहिए। किताबों पढ़ेंगे तो कौन आपको कहेगा, आपको अवेयर कौन करेगा, तो प्रत्यक्ष होते हैं तब आपको कहेंगे ना। मगर प्रत्यक्ष की किताब कहेगी क्या, आप ये गलती है ऐसा करेंगे तो वही रहेगा ना। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष की बहुत वैल्यू है आध्यात्म के मार्ग में। और लौकिक जगत में, धर्म के जगत में जो रिचुअल्स होती है, जो परंपरागत ज्ञान होता है, जो शास्त्र ज्ञान होता है, उनके वैल्यू होते हैं। और कहीं बार मैंने सत्संग में कहा है, कहीं बार सत्संग में कहा है कि फादर और सन, पिता और पुत्र, ये दोनों के बीच 20-25 साल का अंतर होता है, अप्रोक्सीमेट 20 या तो 25 साल का अंतर होता है दोनों के बीच। और दोनों जिंदे हैं, 50 साल का बाप है और 25 साल का पुत्र है। वो दोनों सामने बैठे हैं, टेबल पे चाय पी रहे हैं और दोनों कोई बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, मगर बेटे को बाप की बात समझ में नहीं आती है और बाप को बेटे की बात समझ में नहीं आती, बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। दोनों जीवित है, बच्चा भी जीवित है, बाप भी जीवित है, मगर जनरेशन गैप के आधार से दोनों की सोच अलग हुई, तो एक दूसरे को समझ सकते नहीं है, दोनों लाइव है। और वही बाप, 50 साल का बाप 2000, 5000 या 500 साल पहले छपी हुई किताब को समझने बैठा है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जिंदा तो समझ में नहीं आता, छपी हुई समझ में आएगी नहीं। तो अगर जो भी समझ में आएगी वो तो उनकी सोच होगी ना, कि लिखने वाले की होगी, बस। तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि शास्त्र गलत है और शास्त्र को समझाने वाला गलत है, गलत कोई नहीं है, सबका अपना अपना लेवल है, लेवल है, लेवल है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, स्टैंडर्ड है, हाँ। मगर जो अल्टीमेट स्टैंडर्ड है ये कलयुग के अंदर वो अनुभवी है, और सतयुग में तीर्थंकर या केवल ज्ञानी है, सतयुग में या तीर्थंकर या केवल ज्ञानी वो अल्टीमेट है, और कलयुग में अनुभवी ज्ञान, यहाँ सत्य कलयुग में केवल ज्ञान नहीं होता है। तो वो अनुभवी वो हमारे लिए अल्टीमेट है, उनको फॉलो समझना, फॉलो करना। तो कोई भी चीज को जब आप बड़े फॉर्म में समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि वेयर आई एम, मैं कहाँ हूं और कहाँ जाना चाहता हूं, ये दोनों बात समझनी है। मैं अगर कोई व्यक्ति फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो सिक्स स्टैंडर्ड में जाने का प्रयास करेगा, वो उनके लिए प्रगति। मगर जो व्यक्ति दसवीं कक्षा में पढ़ता है वो अगर सिक्स स्टैंडर्ड में जाएगा तो प्रगति है नहीं, नहीं। वो ग्यारह में या कॉलेज में जाने का प्रयास करेगा, कॉलेज वाला मास्टर डिग्री में जाने का प्रयास करेगा, ये प्रगति है। मास्टर डिग्री वाला
पीएचडी में जाने का प्रयास करेगा, यह प्रगति का मार्ग है। आप समझे ना? आप कहोगे कि भी मास्टर डिग्री वाला या पीएचडी वाला ये क्यों समझते नहीं बात, जरूरत नहीं उनको। वो ऐसा नहीं कहते, गलत है। मैं सब स्टैंडर्ड पास हो गया हूं, यानी स्टैंडर्ड गलत नहीं है। क्या बताया? एक बार ग्रेजुएट हो गया, फिर कोई कहेंगे कि आप पांचवी कक्षा में जाके पढ़ो, आप कहोगे मैं नहीं जाऊंगा, तो बोला क्या पांचवा स्टैंडर्ड गलत है? ना क्यों बोलते हो? अभी मैं ना इसलिए बोलता हूं ताकि मैंने पास कर लिया है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। नहीं समझे? समझ में आया? स्टैंडर्ड जो पास होते वही तो प्रगति का मार्ग है, ये अपमान का मार्ग है। मैं पांचवी कक्षा पास करके छठी कक्षा में जाऊं तो पांचवी कक्षा को मैं त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा, पांचवी कक्षा की किताब भी छोड़ दूंगा और टीचर भी छोड़ दूंगा, तभी मैं छठा में जा सकता हूं। इसका मतलब मैंने पांचवी कक्षा का अपमान किया? नहीं। अपमान किया? नहीं। यही प्रगति का मार्ग है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि पांचवी कक्षा गलत है, वो मैं नहीं बोल सकता कभी भी, मगर ये कह सकता हूं कि ये कक्षा मैंने पास कर लिया, यही प्रगति का मार्ग है। तो स्कूल और कॉलेज के अंदर तो हमको प्रगति का मार्ग मालूम है, यहां आध्यात्म के मार्ग में या तो धर्म के मार्ग में हमको ये प्रगति के मार्ग की सोच नहीं है। वही एक ही स्टैंडर्ड की बात 25 या 50 साल तक घूमते रहते हैं, मैकेनिकल प्रक्रिया भी होती है, फिर भी कहते हैं ये ही सही है। हालांकि हमको खुद को अनुभव है कि 50 साल में हम नॉलेज से आगे नहीं बढ़े, मगर फिर भी क्योंकि स्वीकार नहीं होता है ना, क्या नहीं होता है, प्रगति नहीं हुई। वो खुद समझ से प्रगति नहीं हुई, मेरा नॉलेज बढ़ा, प्रगति नहीं हुई। और नॉलेज करंट बर्थ के लिए ही होता है, नॉलेज कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड होता है। मैं आज डॉक्टर बन गया, चार्टर अकाउंटेंट बन गया, इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, ये मेरे पास ज्ञान है, प्रैक्टिस भी किया, बाद में उम्र बढ़ गई, रिटायर हो गया, उम्र बढ़ गई, एक्सपायर हो गया, नेक्स्ट बर्थ में गया, स्टार्ट फ्रॉम केजी, राइट और रॉन्ग? राइट राइट राइट। क्यों? तो कहां गया नॉलेज आपका? नहीं, प्रूव होता है कि नहीं? मैं कहता हूं होता है कि मैं कोई नई बात करता हूं? नहीं। ये सबको अनुभव है ना, एक नई बात तो नहीं है ना, हमारी सोच उस मैंने आपकी सोच जगाई है, मैंने कोई नई बात नहीं कहा, जहां आपका फोकस नहीं था वहां मैंने फोकस डाला है, कोई नई बात तो नहीं बताई, चमत्कार तो नहीं किया मैंने, मगर जहां आपका फोकस नहीं था वहां मैंने फोकस डाला कि अनुभव ये विनाशी चीजों का जो एक्सपीरियंस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ये जगत के सनातन सत्य को जानने का अनुभव है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, अंत में केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। मगर पुण्य कितना भी करोगे धर्म के माध्यम से, क्रियाकांड के माध्यम से, तो फल जरूर मिलेगा, मगर फल वो एंड वाला होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अभी ये पुण्य किया आपने, नेक्स्ट बर्थ में कंज्यूम हो गया, नॉट ट्रांसफर इन अनदर बर्थ, नो, वहां नहीं होगा। अभी ये बर्थ में जो किया है वही आगे आएगा। तो दोनों में अंतर समझो, पाप और पुण्य कंज्यूम होने की मैटर है, और डेवलपमेंट बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आध्यात्म का मार्ग, आपके पास साधन संपत्ति सत्ता कितनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके पास अनुभव कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। तो दोनों का मार्ग अलग है, आप समझे ना? जैसे जैसे हमने सुना था, देखा तो नहीं था, कि बहुत साल पहले जंगल के अंदर एक बाबा रहते थे, नाम तो मैं भूल गया, वो पेड़ पर रहते थे, कभी नीचे नहीं उतरते थे, उसका नाम भी शायद मैं भूल गया, मगर मैं वर्णन करता हूँ, देवरा बाबा, और इंदिरा गांधी भी उनका ब्लेसिंग लेने के लिए जाती थी, ऐसा मैंने सुना है, या तो कुछ किताब में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में, मैंने देखा नहीं है उनको। तो उनके पास क्या था,
ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر اتنے سارے ستا والے سمپتی والے کیوں جاتے تھے؟ ان کے پاس سمپتی تھی نہیں کہ چلو وہ لینے کے لیے جاتے ہیں. ان کے پاس گیان تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں بھوتک سمپتی سے گیان کی سمپتی کی قیمت کیا ہے. آپ سمجھے نا, بھوتک سمپتی کی ویلیو ہے, اس سے کتنی ویلیو آگے ہے گیان کی. تو گیان کا جو مارگ ہے وہ انوبھو کا مارگ ہے. جتنا آپ آگے جاؤں گے آپ کو خود کو ہی یا آپ کا جو درشٹی ہے وہ اتنی وشال بن جائے گی دھیرے دھیرے کر کے, تاکہ دنیا کے ہر پرشنوں کا سمادھان پرماننٹ سولوشن وہ آپ کے گیان کے اندر آ جائے گا. پھر آپ کو کوئی بھی پرشن کا اتر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اور ہر پرستھتی جو جیون میں آئے گی کہ جس کی بھگتان من وچن کایا سے ہوتی ہے, ان میں کبھی کویشچن اور کمپلین نہیں ہوگا. سفرنگ ضرور ہوگا, کیا ہوگا, مگر کویشچن کمپلین نہیں ہوگا, بیکاز یو نو دیٹ ناؤ, آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اسی لیے نو بلیم اینڈ کلیم ٹو دا ادر پرسن. مگر یہ گیان نہیں ہے, یا تو لمیٹڈ گیان ہے, تو اس کے باہر کا جو پرابلم آئے گا تو اس میں پرشن رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی دنیا وشال ہے, گیان وشال نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ گیانی لوگ پورے وشو میں گھومتے ہیں, یہ رانگ بلیف ہے. وشو میں گھومتے نہیں ہیں, ان کا جو انوبھو کا گیان ہے ان کے باہر دنیا نہیں ہے. آپ سمجھے, وہ فزیکل نہیں گھومتے ہیں. یہ دنیا کا جو رہسیہ ہے کیسے چلتی ہے وہ جان لیا, یعنی پوری دنیا کے کھوج کر لیا. ایسے فزیکل جا کے کھوج نہیں کرتے ہیں, مگر شاستروں میں تو ایسا ورنن آتے ہیں. تو لوگ سمجھتے کہ لوگ ایسے گھومتے گھومتے پھر گیان, ایسا نہیں ہے. یہ درشٹی سے گیان ہوتا ہے. پورے برہمانڈ کا گیان ہماری جو آتم شکتی ہے اگر نراورن ہو جائے تو پورے برہمانڈ کا گیان اپنے آپ اندر اوپن ہو جاتا ہے. یہ باہر کے اوپن کی بات نہیں ہے, یہ پانچ گیانیندریوں کی بات نہیں ہے. یہ اندر کے جو آتما کی جو شکتی ہے اگر نراورن ہو جاتی ہے تو تینوں لوک کا گیان کھلا ہو جاتا ہے. پھر کوئی بھی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئے ایسا نہیں ہوتا. تو گیان کا مطلب شبد مت سمجھو, گیان کا مطلب کریا مت سمجھو. گیان کا مطلب وہ ایسی درشٹی جس درشٹی سے وتراگ اور ویراگیہ سہج ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وتراگتا اور ویراگیہ, یہ دونوں سہج ہوتا ہے, کرنا نہیں پڑتا ہے. اور آپ کہوں گے کہ پھر کیوں نہیں کرنا پڑتا ہے بھائی؟ کیونکہ ان کی درشٹی میں سادھن سمپتی ستا کی ویلیو کیا ہو گئی؟ زیرو. یہاں کوئی باہر کے پریاس کی ضرورت ہے؟ نہیں. باہر کے پریاس کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے. رام کرشن مہاویر نے کیا سنسار کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑا. ہماری طرح جی کوئی کہیں گے چلو بھائی مہاویر نے دیکشا لے لیا تھا. بھائی دیکشا لیا وہ تو ادے کرم تھا, اس کا مطلب یہ جتنا دیکھا لیں گے وہ اس کو گیان کیول گیان ہوگا؟ نہیں. وہ تو کرم تھا, شادی بھی کیا انہوں نے دیکشا بھی لیا, تو وہ تو دونوں ادے کرم تھے. اندر جو گیان تھا انوبھو گیان, وہی انوبھو گیان کیول گیان میں کنورٹ ہو گیا, پرکٹ ہو گیا. کوئی باہر سے گیان نہیں آیا ہے. ہم باہر سے گیان ڈھونڈنا چاہتے ہیں. باہر سے جو ملے گا وہ لوکک گیان ہوگا, سنسار چلانے کا گیان. دنیا کی کتابوں سے جو گیان ملے گا, مادھیموں سے جو گیان ملے گا وہ سنسار چلانے کا گیان ہے. غلط ایسا نہیں کہتے ہیں. اور اندر کا گیان ہے وہ سنسار کو سماپت کرنے کا گیان ہے. دونوں کا اینگل ڈیفرنس ہے, دونوں میں سے ایک غلط نہیں ہے. جن کو بھوتک پرگتی کرنی ہے ان کو باہیہ گیان کی ضرورت ہے, اور جن کو آدھیاتم کی پرگتی کرنی ہے ان کو آنترک گیان کی ضرورت ہے. ایک بھائی نے کہا ہم نے یہ دھرم کی کتاب پڑھ لیا, وہ سمجھ میں بھی آ گئی, کیا وہ گیان نہیں ہے؟ کیا بتایا؟ ہم نے کتاب پڑھ لیا, ایک بار دو بار پانچ بار دس بار پڑھ لیا, زیادہ تر باتیں تو مطلب کنٹھس بھی ہو گئی, تو کیا اس کو گیان نہیں کہیں گے؟
मैंने कहा वो ज्ञान कहेंगे मगर वो शब्द ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है। क्या बताया? शब्द ज्ञान है। बोला स्वामी जी कैसे, एग्जाम्पल दे दो हमको। तो मैंने कहा एक व्यक्ति थे, एक महाशय थे, उन्होंने 1000 रुपये की किताब लाए बाजार में से। उनमें लिखा था, टाइटल था हाउ टू मेक मनी इन अ इजी वे, सरलता से पैसा प्राप्त करने का तरीका। क्या बताया? का तरीका ये उसमें बताया गया था, सरलता से आसानी से। तो ये किताब उन्होंने लाए, 50-100 बार पढ़ लिया, हर लाइन कंठस्थ हो गई मगर पैसा नहीं आया। नहीं समझे? नहीं समझे ना? ज्ञान तो आया, पैसा नहीं आया। क्यों? वो तो थियरी हो गई, प्रैक्टिकल कहाँ है? अनुभव नहीं। तो ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दे दिया, हमको अनुभव हो गए। सही बात, उपयोग नहीं। ज्ञान देना एक परिस्थिति है, जो हमारा पुण्य है तो उदय कर्म के अधीन हमको ज्ञान मिल गया, उसमें कोई मना नहीं करते। मगर ज्ञान का उपयोग करने से एक्सपीरियंस होता है, मिलने से नहीं होता है। क्योंकि वैसे ज्ञान शब्द के माध्यम से अगर दिया जाता है तो बात गलत है। शब्द के माध्यम से आपके अंदर सही दृष्टि पैदा किया जाता है और वो दृष्टि का उपयोग करके ही आप अनुभव कर सकते हैं। मगर आप तो समझते जो हमको मिल गया वो ही ज्ञान है, बस ये आपकी रॉन्ग बिलीफ है। क्या है? ये ज्ञान है, वो ज्ञान दृष्टि के रूप में मिला है। उनका अनुभव उन्होंने शब्दों से बताने की कोशिश किया और हम अपनी मर्यादा को ध्यान में रख के हमने उसको समझने की कोशिश किया। बाद में यू पुट अप इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, तभी तो आपको अनुभव होगा। अगर आप उसका उपयोग ही नहीं करोगे तो कैसे हो? तो आप समझते हैं कि मैं तो ज्ञान मिल गए, ज्ञान नहीं दृष्टि मिली है। क्या मिली है? और दृष्टि जब परिपक्व होती है तभी उसको अनुभव कहते हैं। वो अनुभव कैरी फॉरवर्ड होगा, ज्ञान मिला हुआ ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्या बताया? मगर जितना हमने एनकेश किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो कैरी फॉरवर्ड जरूर होगा, क्योंकि वो आपकी कैपिटल है। ये मिला हुआ वो तो उनकी कैपिटल है, हमारे लिए पुण्य का संयोग है, उनके लिए कैपिटल है। मगर जब हमने अनुभव किया जितना, वो हमारी कैपिटल है, वो कैरी फॉरवर्ड होगी। मगर मिला वो कैपिटल नहीं है, वो आपका पुण्य फल है। यहाँ पुण्य फल आपका समाप्त हो गया, ज्ञान मिल गया तो। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? वही डेवलपमेंट, अनुभव ही डेवलप, अनुभव इज इक्वल टू डेवलपमेंट। वो पाप पुण्य से नहीं होता है, दृष्टि का उपयोग करने से होता है। आखिर कबीर, फिर तुलसीदास, मीराबाई, ऐसे लोग जो समाज के अंदर बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे थे और उनके पास कोई भौतिक संपत्ति भी नहीं थी, फिर भी इतने महान हो गए। क्योंकि उनकी जो ज्ञान है, उनकी गहराई, वो अनुभवी पुरुष थे। जो कुछ भी उन्होंने समाज में देखा और देखने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट निकला, सार निकला, वो खुद पहले अनुभव किया और बाद में लोगों को शेयर करने का प्रयास किया, सेल करने का नहीं। आप समझो? ऐसे महान पुरुषों ने, भले वो आर्थिक रूप से वो छोटे थे, मगर कभी भी उन्होंने एनकैश नहीं किया। तो आज हजारों साल के बाद या 500 साल के बाद, 700 साल के बाद हम आज इसको याद करते हैं। और 700 साल में बहुत सारे साधु संत सन्यासी आए जिनका प्रवचन सुनने लाखों लोग जाते थे, जिसको आज याद भी नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल, बिकॉज ऑफ उनके पास जो भी ज्ञान था उन्हें एनकेस कर लिया। क्या कर लिया? खत्म हो गया उनकी वैल्यू, खत्म हो गई उनकी खुद की प्रगति भी, खत्म हो गई। और ये जो महान पुरुष का नाम आज ले रहे हैं, वे इतने सालों बाद भी लोग याद करते हैं, उन्होंने ज्ञान को बेचा नहीं है, बांटा है बस। और कोई भी अनुभवी पुरुष कभी ज्ञान
बेचेंगे नहीं, बांटेंगे। ज्ञान की वैल्यू कैसे हो सकती है? वो तो अमूल्य चीज है। क्या है? अमूल्य चीज। तो इसको बेचा नहीं जाता है, बांटा जाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये शक्ति है कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है वो समझ सके, ऐसी उनके अंदर शक्ति है। मगर शक्ति को ओपन करना है, क्या करना है? खुला करना है, बाहर से लाना नहीं है। तो हमारी जो सोच है, पहले सोच बदलो। ज्ञान अंदर है, बाहर नहीं है। और बाहर के जो संजोग है वो अंदर का ज्ञान ओपन करने में सहायक है, देने में नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर नहीं बना सकता है अगर मेरे अंदर बीज नहीं है तो। क्या बताया मैंने? बीज नहीं है। मेरे अंदर डॉक्टर बनने का बीज नहीं है और आप मास्टर प्रोफेसर हो डॉक्टर के, फिर भी मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। जब बीज नहीं है तो फल कहां से आएगा? मगर मेरे अंदर बीज पड़ा है तो ओपनर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो हर बात में अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो कि हम आखिर सच्चाई क्या जानना चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, तो ये मान्यता गलत है। इसीलिए ज्ञानी भी कहते थे कि भाई आपका जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक ही आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जितना आपका डेवलपमेंट है। और ज्ञानी पुरुष की आप किताब पढ़ोगे तो एक ही प्रश्न का अलग अलग समय अलग अलग प्रकार का उत्तर दिया है। ये आप देखोगे, कोई सब्जेक्ट के ऊपर आप पुस्तक पुस्तक ना, कोई सब्जेक्ट के ऊपर, वहां संकलन होता है। क्या होता है? एक ही सब्जेक्ट का। तो आप जब किताब पढ़ोगे बिल्कुल ब्रॉड विजन से तो मालूम होगा कि यहाँ ये कहा है, यही प्रश्न यहाँ ये कहा है, यहाँ ये बात कही, यहाँ ये बात कही। ऐसा क्यों है? एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। जैसे व्यक्ति का डेवलपमेंट उस लेवल से बात किया है तो वो सब बातें एक जगह सेट हो गई। 5 साल के बच्चा है उनको समझाने का तरीका अलग होता है, 25 साल के बच्चे को समझाने का तरीका अलग होता है, और 50 साल का बच्चा है उनका तरीका अलग होता है, और 75 का होता है तो उनका समझाने का तरीका अलग होता है, चाहे प्रश्न एक क्यों ना हो। समझे? 5 साल का बच्चा कहेगा आपको प्रश्न करेंगे, पिताजी हम खुशी सुखी कैसे होंगे, तो आप आत्मा की बात करेंगे। 25 साल का बच्चा कहेंगे हम सुखी कैसे होंगे, तो कहेंगे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा मेहनत करो, यही बात बताऊंगे ना। और 50 साल का व्यक्ति होगा तो आप धर्म की बात करोगे कि आपने शादी किया है, बच्चे हुआ है, पैसा भी कमाया है, तो कुछ अच्छा काम करो। और 75 साल के व्यक्ति होगी तो आपको ये नहीं कहोगे कि पैसा कमाए दान पुण्य करो, अभी धर्म की आराधना करो। अभी पैसे की या क्रिया की बात नहीं कर रहा है, हाँ अध्यात्म की बात करो, क्योंकि आपको बाह्य क्रिया न पैसा कमाना है, न बच्चे सबको संभालना है, सब सेट हो गए हैं। अभी आपको धर्म की ओर आगे बढ़ना है, दान पुण्य भले कम हो ज्ञान को अनुभव करने का प्रयास करो, ये आपकी एज है। तो एक ही प्रश्न का उत्तर व्यक्ति की एज के मुताबिक अलग अलग होता है। इसे यहाँ एज की बात कहा, सेम थिंग व्यक्ति की क्षमता के मुताबिक अलग अलग होता है। एज इक्वल है, क्षमता अलग अलग है तो भी उत्तर अलग अलग होता है। तो ये सब बातें कोई भी किताब पढ़ोगे तो उस समय मालूम नहीं होता है, तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। इसीलिए कभी कोई बात किताब में कॉन्ट्राडिक्ट लिखी गई है तो उसको ये मत समझना कि कॉन्ट्राडिक्ट है। कहीं दादा भगवान ने एक व्यक्ति को बोल दिया कि भी आपने 5 साल ज्ञान लिए, 5 साल हो गए, वो कहता है 5 साल हो दादा मेरे को समझ में नहीं आता है, न मैं आज्ञा का पालन कर सकता हूँ और न मैं आपका विज्ञान समझ सकता हूँ, क्या करूँ? दादा ने एक कहा, समझ में आए ना आए बस सत्संग में पड़ा रहो बस। तो ये कहा। भी दूसरे व्यक्ति थे जो बिजनेस थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थी, उन्होंने भी कहा कि दादाजी मेरे को ये विज्ञान जो बात है, आपने ज्ञान दिया, ज्ञान तो ले लिया, समझ में नहीं आता। तो दादाजी उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे पढ़ा रहो। दोनों की परिस्थिति अलग है। एक व्यक्ति खेडूत है जो खेती करता है और उनके जो बच्चे हैं वो खेती संभाल रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं कि वो वहां नहीं जाएंगे तो काम बिगड़ने वाला नहीं है। तो उनको कहा
ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, क्या पढ़े रहो, भले समझ में आया ना आए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और एक व्यक्ति जो काम कर रही है उनको ये नहीं कहेगा पढ़ा रहो, मगर हम क्या कहेंगे कि दादाजी ने कहा है कि समझ में आया ना सत्संग में पढ़ा रहो। ये सबके लिए नहीं है, ये परिस्थिति के आधार से उत्तर दिया है। तो ये बातें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए कहा ऐसी बातों के लिए या तो प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष अनुभवी की जरूरत है। जिनको मिला है उनको वह लाभ लेना है कि मेरे लिए प्रैक्टिकल बात क्या है। जो दूसरों के लिए है वो मेरे लिए नहीं हो सकती है, जो मेरे लिए है वो दूसरों के लिए नहीं हो सकती। तो आप मेरे लिए बताओ क्या है, वो प्रत्यक्ष अनुभवी पुरुष बता सकते, वो किताब नहीं बता सकते। तो ये बातें सब समझना है। और दूसरी बात ये है, हम ज्यादातर जो सत्संग सुनते हैं, सत्संग पढ़ते हैं और सत्संग करते हैं, तो हमारा जो सोच है वो ट्रेडिशनल हो जाती है धीरे धीरे। ट्रेडिशनल का मतलब होता है धीरे धीरे अपने आप को एक सेंटर में ढाल देते हैं। क्या करते हैं? सेंटर, वो कुंडाला करते हैं, क्या बोलते हैं आप? केंद्र, सर्कल। अपने आप अपने ज्ञान की सोच का सर्कल बना देते हैं, हालांकि ज्ञान इनफाइनाइट है, मगर आपने क्या कर दिया, अभी ज्ञान इतना ही है। ये व्यक्ति कहे तब ज्ञान है, उन्होंने जो कहा वो ज्ञान है, वो जो कहते वो करेंगे वो ही ज्ञान है, ऐसा समझ के अपने आप को हम क्या करते हैं, केंद्रित कर देते हैं, हालांकि ज्ञान इनफाइनाइट है। उन्होंने जो कहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, अनुभव करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा कोई अनुभव कहने पर मिलेगा तो हमको तो अनुभव के मार्ग पे आगे जाना है, व्यक्ति को नहीं अपने आप को सेंटर में रख के आगे बढ़ना है। तो दादा भगवान ने बहुत अच्छे वर्ड का यूज किया, हमको तो मूंग आता है ना, मूंग चढ़ाने में इंटरेस्ट है। अगर अच्छा पानी नहीं है तो नल का पानी तो गटर का पानी ले लो, मगर मूंग चढ़ना चाहिए। यानी कैसे भी करके वो साधु है, संत है, सन्यासी है, बहुत नामांकित व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, लाखों लोग मिलते हैं उनको कोई नहीं मिलता है, वो नहीं देखना है। ज्ञान कहाँ से मिलता है वो हमको देखना है, हमको बाहर की परिस्थिति को देखना नहीं है। तो ये अपने आप को सीमित मत करो, जंगल में अकेला बैठा है एक ऋषि, उनके पास ज्ञान की बहुत ऊंचाई हो सकती है जहां कोई आदमी नहीं जाता है, और जहां लाखों लोग जाते हैं वहां ज्ञान का छिछड़ापन होता है। तो ये मत समझो भौतिकता, उनके अंदर गहराई क्या है वो प्राप्त करके हमको आगे बढ़ना है। यानी व्यक्ति के साथ जो कुछ ज्ञान अनुभव है वो पाके हमको आगे बढ़ना है, ये सेंटर रखना है, व्यक्ति को पकड़ना नहीं है। क्या बताया? कोई भी व्यक्ति होती है, चाहे राम है, कृष्ण है, महावीर है, कोई भी ज्ञानी है, वो व्यक्ति विनाशी है या अविनाशी? और ज्ञान तो पकड़ना किसको है? अविनाशी इज इक्वल टू ज्ञान, विनाशी इज इक्वल टू व्यक्ति, या इसके बात करते हैं। तो व्यक्ति एक माध्यम है। अगर स्कूल में टीचर ने हमको पढ़ाया, कॉलेज में प्रोफेसर ने हमको पढ़ाया, और आज पढ़ के हम अब्जोपति हो गए, तो क्या हम टीचर की आरती करेंगे? नहीं, बोलते नहीं है। नहीं, क्यों? नहीं पढ़ाया होता तो कहने का मतलब यह है, आपको समझना है हमारा सेंटर पॉइंट ज्ञान है, और हमको भी अनुभव करना है। क्या करना है? और आप अनुभवी हैं तो आपके माध्यम से कुछ ऐसी प्राप्त करें सोच, समझ, दृष्टि, ताकि हम भी अनुभव के मार्ग में आगे बढ़े। हम आपके शरीर को नहीं पकड़े, आपका जो अनुभव दशा है जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, तो हम भी वो शब्दों के माध्यम से जान के अनुभव के मार्ग में आगे जाए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो ये हमारी जो एक मर्यादा होती है सोच की, उससे आप ऊपर उठो, ऐसी छोटी छोटी बात में अपने आप को उलझन में नहीं फंसा दो। दुनिया तो चलती है और चलती रहेगी,
रामकृष्ण महावीर ने अपना काम निकाल दिया और दुनिया चलती रहेगी और चलती रही है, तो हमको चलते नहीं रहना है, हमको उसमें सार निकाल के आगे बढ़ना है। समझ में आता है? ओके। अभी सुबह तो भाइयों ने प्रश्न किया था, अभी बहनों को प्रश्न करना चाहते हैं, अगर नहीं है तो फिर भाइयों को बताऊंगा। किसी को प्रश्न करना है कर सकते हैं। माइक माइक में बोलो तो रिकॉर्डिंग। सब चीज मन वचन काया की सभी प्रकार की जो क्रिया बिना अहंकार नहीं होती है। पुरुषार्थ में भी अहंकार है। हाँ, जो स्टेप बताओ, मैं स्टेप बताऊ। पहले दो प्रकार का अहंकार है, एक डिस्चार्ज अहंकार, एक चार्ज अहंकार। डिस्चार्ज अहंकार वो कर्मों के भुगतान में सहायक है, और चार्ज अहंकार कर्मों को बनाने में सहायक है। क्या बताया? कर्मों को बनाने में, पुरुषार्थ करने में, प्रगति करने में, आंतरिक विकास करने में, अंदर का पुरुषार्थ जो जागृत पुरुषार्थ है वो हेल्पफुल है, वो अहंकार वो हेल्पफुल है। बिना अहंकार कोई व्यक्ति निश्चय नहीं कर सकता। एनी काइंड ऑफ, मेरे को निश्चय करना है तो कौन करेगा? शरीर करेगा, आत्मा करेगा? नहीं, अहंकार है तब निश्चय होगा। तो पहले अहंकार, तो एक अहंकार डिस्चार्ज के फॉर्म में है जो मैकेनिकल है, जो रिजल्ट की भुगतान में हेल्प करता है। एक अहंकार ऐसा है जो चार्ज की भूमिका में हेल्प करता है। और तीसरा अहंकार चार्ज की भूमिका में भी दो पार्ट है, एक भौतिक चार्ज और एक आध्यात्मिक चार्ज। इन दोनों में सब्जेक्ट अलग है। अहंकार तो कॉमन है मगर दिशा अलग है। एक को संसार में प्रगति करना है उसके लिए भी अहंकार चाहिए, और एक को आध्यात्म में प्रगति करना है उसके लिए भी अहंकार चाहिए। और यहां जो संसार बढ़ाने का जो अहंकार है वो एंडलेस है। क्या है? और आध्यात्म की प्रगति करने का जो अहंकार है वो अहंकार शून्य होना, उसका नाम है पूर्ण विराम, वो ही केवल ज्ञान। अहंकार शून्य वो केवल ज्ञान। अहंकार से प्रगति है। क्या है? और प्रगति, प्रगति ग्रोथ, और अहंकार का शून्य वो डेस्टिनेशन। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा समझ में आएगा आपको। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, और बीच में क्या है? सीढ़ी है। तो पहले ग्राउंड फ्लोर को छोड़ने के लिए फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, मगर फर्स्ट स्टेप वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, मगर ग्रोथ तो है। राइट और रॉन्ग? फिर फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाएगा तो प्रगति है, फिर भी डेस्टिनेशन। ऐसे करके अगर 10 स्टेप है तो 10वें स्टेप पे आ गए, मतलब हमारा डेवलपमेंट का टॉप लेवल है, मगर वो भी डेस्टिनेशन। मगर जब हम फर्स्ट फ्लोर पे गए वहां प्रगति नहीं है और डेवलपमेंट भी नहीं है, एंड है। प्रगति करना है वहां तक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है वहां तक अहंकार की जरूरत है। जब डेस्टिनेशन आ गया तो पुरुषार्थ नहीं है, अहंकार भी नहीं है, यानी अहंकार शून्य वो हमारा डेस्टिनेशन, और अहंकार है वे टू डेस्टिनेशन। कोई यू हैव एनी कंफ्यूजन? पॉजिटिव अहंकार, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। संसार की भौतिक प्रगति करना वो भी पॉजिटिव है, और आध्यात्मिक करना वो भी पॉजिटिव है। दोनों का एंगल अलग अलग है। यहां पॉजिटिव का मतलब भौतिक चीजें प्राप्त करना, और यहां पॉजिटिव का मतलब होता है आध्यात्म के मार्ग में प्रगति करना। यहां अहंकार की, अहंकार शून्यता की ओर आगे बढ़ना, और यहां सत्ता संपत्ति साधन और संबंधवान बनना, इसको बढ़ोतरी करना है। आध्यात्म की ओर प्रगति करते हैं, उसका सिम्टम्स क्या है?
कैसे मालूम होगा हमको कि हम आध्यात्म की ओर प्रगति कर रहे हैं? उसका सिम्टम्स ये है, धीरे धीरे भीख और भय कम हो गए। क्या होगा? भीख और भय। आध्यात्म की बात करता हूं, भौतिक में प्रगति में भीख भय रहेगा और बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्राप्ति इतना ज्यादा भय चला जाएगा, तो जितना कम है तो इतना भय भी कम। आध्यात्म के मार्ग में क्योंकि पाना नहीं है, जो है उसको ओपन करना है, इसलिए भीख भय खत्म होती है। क्योंकि कोई भी चीज भौतिक चीज मिलती भी है, चल भी जाती है, उनकी वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू क्या है? जो अंदर पड़ा है इसको अनुभव करना है, कोई बाहर से चीज ला के अनुभव नहीं करना है। तो यहाँ आध्यात्म के मार्ग में प्रगति करने का मतलब भीख और भय धीरे धीरे समाप्त होना, ये उसका सिम्टम्स है। क्या है? सिम्टम्स है, साइन। तो भीख और भय क्यों खत्म होते हैं, क्यों धीरे धीरे कम होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि संसार की कोई भी चीज, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता को प्राप्त करना, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है। फिर भीख और क्यों और भय क्यों? नहीं समझे? ये अचीवमेंट है वहां तक तो भीख और भय रहेगा, अगर प्रगति भी होती है तो भी रहेगा, क्योंकि आपका प्रगति का माध्यम क्या है? सत्ता संपत्ति संबंध और साधन। मगर यहां क्या है? यहां प्रगति क्या है? यहां प्रगति कोई बाह्य चीजों को पाना या उसको खोना, वो प्रगति नहीं है। हमारे अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है इनफाइनाइट, इनको ओपन करना है। तो उस मार्ग पे जाओगे धीरे धीरे भीख और भय खत्म हो जाए। और तमाम प्रकार के भीख और भय खत्म हो गए, उसका मतलब होता है आपको केवल दर्शन हो गया, इस दुनिया का सनातन सत्य आपने अनुभव कर लिया। बाद में केवल ज्ञान रिजल्ट के फॉर्म में आता है। क्या आता है? फिर पुरुषार्थ नहीं है, दुनिया की सच्चाई जानने में आ गई। फिर कोई व्यक्ति ऐसा होगा ये जानने के बाद कि वो प्राप्त करने का भाव करेगा? नहीं। जब इसको मालूम हुआ कि अभी दुनिया की पूरी सृष्टि मैंने जान लिया सिद्धांत के रूप में, ये दुनिया में जितने भी साधन संपत्ति संबंध और सत्ता है उनमें कोई जगह पे सुख देने का स्वभाव नहीं है, ऐसा मैंने जान लिया, और सुख मेरे आत्मा में भी है, आत्मा में ही है और ये उनका स्वभाव है, तो मैं बाहर की चीजों को पाने के लिए भाव करूंगा नहीं करूंगा, उसका नाम है केवल दर्शन। तो बाद में ऑटो मोड से केवल ज्ञान का बीज लगता है और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान अपने आप हो जाता है। जब बीज लग गया तो रिजल्ट तो आने वाला है। ये ऐसी आप समझे ना, ऐसा पूरा ये विज्ञान है। क्या है? और यही मार्ग पे लोग आगे बढ़ सकते हैं। लालच किसकी होगी? विनाशी की चीज की ना, अविनाशी में तो लालच होती नहीं है। जब खुद का है तो लालच का प्रश्न क्या है? मेरे से कुछ अलग चीज हो तो वहां लालच होगी ना। जब ज्ञान मेरे में है तो लालच का प्रश्न कहां से आएगी? तो मैं खुद हूं ना वो। लालच का मतलब तो मेरे से कोई अलग चीज होती है वो पाना है तो लालच है, भीख है या तो भय है। जब वो तो मैं खुद हूं, अनंत सुख वाला मैं खुद हूं, जो खुद हूं उसका अनुभव करने के लिए लालच की जरूरत नहीं है। तो जितने मात्रा में भय और भीख है उतने मात्रा में अनफोल्ड नहीं हुआ है। अनफोल्ड नहीं हुआ है, दैट्स इट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली यही ज्ञान तो है, अनफोल्ड नहीं हुआ है, यू आर राइट। मैं इसीलिए कहता हूं हमारी सोच को सही करना है। मैं कोई क्रिया की बात नहीं करता हूं, मैं कोई धर्म की बात नहीं करूंगा, कोई गुरु की बात नहीं करता हूं। सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारे पास जो है, पहली बात हमारे पास जो है इसको ओपन करना है, ये पहला सेंटर पॉइंट। इसका मतलब भीख और भय नहीं होना चाहिए, सोच में तो नहीं होना चाहिए, भले एकदम से खत्म नहीं होगा, मगर पहले सोच जो हमारे अंदर जो खजाना पड़ा है अविनाशी, उनका अनुभव करना है हमको। दुनिया में क्या है उसका अनुभव नहीं करना है, उनको पाने का प्रयास नहीं करना है। मिलेगा या न मिलेगा या मिलने के बाद चला जाएगा, ये सब कर्मों का फल है, उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है कि जो मेरे पास अविनाशी खजाना है उनको अनुभव करना है। उनके लिए बाह्य चीजों की या बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अनुभवी पुरुष दृष्टि वाला मिले और वो दृष्टि प्राप्त करके हम अंदर की खोज में लगे रहेंगे,
100% एक दिन आप वहां पहुंच जाओगे, मगर जहां अंदर की खोज बाहर करोगे वहां तक तो भटकना है। है अंदर और खोजेंगे बाहर, तब तो भटकना है। या प्लीज पहले दिन जैसे सुनने में आता था कि किसी किसी को ही केवल ज्ञान होगी, जैसे रामानंद स्वामी को, महात्मा बुद्ध को, लेकिन जो आप जैसे दादानंद बीच जा रहा है डेवलपमेंट में जो चला जाएगा आगे जाएगा अनुभव होगा उसके बाद जो केवल ज्ञान खुला होगा, तो ये तो कितना कितना देखने में आ जाएगा हजारों करोड़ों लाखों। तो केवल ज्ञान लगता है कि किसी किसी बदले बदले को होता होगा? नहीं बताओ, ऐसा नहीं कि केवल कोई कोई व्यक्तियों को होता, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान हजारों लाखों लोगों को होता है, मगर इस काल में नहीं होता है, इस काल में नहीं, कलयुग में नहीं होता है। तो यहाँ जो जो लोगों को ज्ञान मिला है और जो लोग ज्ञान को परिपक्व करने में लगे, यानी ज्ञान को अनुभव करने में लगे हैं, तो सतयुग में जब जाएंगे या महाविद्या क्षेत्र में जाए या तो यहाँ सतयुग आएगा, तब उनको तीर्थंकर का सानिध्य मिलेगा। और वो जो अपना ज्ञान जो अनफोल्ड थोड़ा बचा हुआ है वो फोल्ड है, वो अनफोल्ड हो जाएगा, आप समझे। तो उस समय तो हजारों की संख्या में जाते हैं केवल ज्ञान, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जाते हैं। आज भी शास्त्र में लिखा गया है कि सिमंदर स्वामी भगवान की पर्षदा में लाखों केवल ज्ञानी विद्यमान है। शास्त्रों की बात करता हूं मैं, खुद की बात नहीं करता हूं। तो वो एक समय की बात है, अभी का अभी अभी नहीं कोई है केवल ज्ञानी, कोई नहीं है अभी। ज्यादा से ज्यादा केवल दर्शन वाले हो सकते हैं, केवल ज्ञानी नहीं होते। तो ये जितनी बात आप समझोगे ना, तो हर अनुभवी ज्ञानी पुरुष की एक ही बात ही होती है कि ज्ञान सहज है, सरल है और सुगम है, मगर जब ज्ञान को हमने रिचुअल्स में डाल दिया इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक सिंपल बात समझो, क्रिया करने का स्वभाव जड़ का है, चेतन का नहीं है। क्या बताया? क्रिया करने का स्वभाव जड़ का है, चेतन का नहीं है। चेतन में कोई क्रिया ही नहीं है, न क्रिया करने का उनका स्वभाव भी है और न जरूरत भी है। और जो क्रिया करते हैं वो जड़ का स्वभाव है, किसका है? मैटर। ये पूरी मशीनें चलती है, ये चेतन है, वो मैकेनिकल है। ये अपना जो बॉडी है ना, टोटल मैकेनिकल है, 100% मैकेनिकल है। और आज तो जो फिजिक्स में सब कुछ बत कहते हैं कि हर पार्ट्स आप रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बिकॉज मैकेनिकल लाइक अ पार्ट्स ऑफ कार और स्कूटर। आज आंख कान नाक ये सब कुछ कई हद तक हम बदल सकते हैं, बिकॉज ऑफ पार्ट्स। ये चेतन नहीं है, आप समझ सकते हैं, चेतन अलग है, ये मशीन है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मशीन है, चलाता चेतन नहीं है, चेतन की हाजिरी से चलता है, चेतन चलाता नहीं है। जैसे सूर्य नारायण की हाजिरी से दुनिया चलती है, सूर्य नारायण की हाजिरी से प्राणवायु बनते हैं, सूर्य नारायण की हाजिरी से बादल बनते हैं, सूर्य नारायण की हाजिरी से वनस्पति होती है, मगर सूर्य नारायण वो अहंकार नहीं कर सकते कि मेरी हाजिरी से दुनिया चलती है। हाँ, यानी ये दुनिया मैं चलाता हूं ऐसा नहीं अहंकार कर सकते, मगर 100% सही है कि उनकी हाजिरी के बिना चल भी नहीं सकते। तो अहंकार करना एक अलग चीज है और अस्तित्व होना एक दूसरी बात है। आत्मा के अस्तित्व के बिना, आत्मा की हाजिरी के बिना ये मन वचन काया चलना असंभव है। उसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा इसको चलाता है। तो ये अपनी सोच क्लियर कर लो बस, आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं चलता है वो करेक्ट बात है, मगर आत्मा चलाता है वो करेक्ट। जो ये शास्त्रों में प्रोविजन आती है कि कलयुग नाम बता रहा, सुनिए सुनिए रहे होते हैं, इस नाम की बात
ये इसलिए बताया गया, धर्म अपने धर्म गुरुओं ने नाम आधार इसलिए बताया गया ताकि कलयुग के अंदर आम जनता की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और आज हम देख रहे हैं सत्ता संपत्ति साधन और पांच इंद्रियों के विषयों में भ्रष्ट हो गई है, डूब गई है। क्या है? ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्म की बात करना, धर्म के क्रियाकांड की बात करना जिसे पुण्य बनता है, ये बात करना उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? तो उनको कहा कम से कम भगवान का नाम तो लो, भले बुरे काम करो, राम राम तो जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, और कोई चीज में इंटरेस्ट हो या ना भी हो, मतलब मिनिमम बेनिफिट। क्या बताया? मतलब मैक्सिमम नहीं मिले, मिनिमम तो मिले। एक बार मैं राम का जीवन को जानता हूं और आज दारू पीता हूं, मगर राम को नाम लूंगा तो थोड़ी तो अवेयरनेस आएगी, थोड़े समय के लिए तो आएगी, आप समझे? तो एक एक राम नाम आधार बताया। क्या बताया? कि कम से कम ये कलयुग के अंदर आपके अंदर बहुत सारी वीकनेस है, फिर भी कम से कम आप इतना तो करो। और कोई दान तप जप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो लेते रहो अंदर। एक आपको आप बताएं कि मिनिमम बेनिफिट। क्या बताया? इसमें आपको बहुत प्रयास नहीं करना, मुंह से नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, अंदर स्मरण करते रहो बस। तो भी कलयुग में आप 100% कलयुगी नहीं हो जाओगे, कम से कम थोड़ा तो आपको क्रेडिट मिलेगी। तो एक एक देखो, ज्ञानी पुरुष ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पुरुष सिर्फ डेवलपमेंट वाले लोगों के लिए होता है, छोटे से छोटी जो सोच वाला है उनके लिए भी होता है। तो उनका काम ये है कि कहीं से भी व्यक्ति आगे बढ़े, ऐसा नहीं कहेंगे ये बुरा है ये बुरा है ये बुरा है, ऐसा नहीं कहेंगे। जो भी उसकी बुराई है उसमें अच्छा या क्या है उसे आगे बढ़ोगे, बुराई है तो भले रहेगी। मैं आपको डिप्रेस करना नहीं चाहता हूँ, मगर जो अच्छाइयाँ हैं उससे आप हेल्प लेके आगे बढ़ो, दैट इज माई इंटेंस। ऐसा नहीं कहूँगा सब पेचरी में चले जाए, नहीं, मगर जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का है वो सेकंड स्टैंडर्ड में कैसे आ सकता है ऐसा ज्ञान दूँ, जो फिफ्थ स्टैंडर्ड वाला है वो सिक्स स्टैंडर्ड में कैसे आए वो ज्ञान दूँ, जो स्कूल वाला है कॉलेज में कैसे आए ऐसा ज्ञान दूँ, जो कॉलेज वाला है वो मास्टर डिग्री में कैसे जाए ऐसा मैं ज्ञान दूँ, जो मास्टर डिग्री वाला है वो पीएचडी कैसे कैसे जाए वो ज्ञान दूँ। तो ये ज्ञान का लेवल अलग अलग है क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग है, क्या है सबके लिए एक नहीं है, नहीं तो मैकेनिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। इसीलिए ज्ञानी ऐसे रास्ते बताते हैं जैसा जैसा व्यक्ति है वैसा वैसा उनका रास्ता होगा, और यही कमजोरी पढ़ने वाले की है। अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग लेवल वाले व्यक्तियों को जो अलग अलग रास्ता दिखाया, और पढ़ने वाला एक होता है, और इसीलिए किताब पढ़ के कंफ्यूजन होगा ही। यस और नो? यस। मतलब किताब गलत है ऐसा बोलता हूं मैं? जब पहली बार हमारे संघ के अंदर पहली पुस्तक एक सब्जेक्ट के ऊपर संकलित हुई, एक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे अथरामंटा हो उसके ऊपर टकराव डालिए, इसके ऊपर संकलित हुई, अहंकार इसके ऊपर संकलित हुई, मैंने पूरी किताबें पढ़ी, फिर पढ़ने के बाद मेरे को मालूम हुआ कि ये पढ़ने के बाद आम व्यक्तियों को कंफ्यूजन होगा ही। आप समझे? एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ज्ञानी पुरुष ने अलग अलग लेवल के व्यक्तियों को अलग अलग लेवल की बात कही है, और आपने एक किताब में संकलित कर दिया, और पढ़ने वाला क्योंकि वो तो एक है। तो मैंने बताया भी था, मेरा काम बताने का है, मेरा काम चालू करने का बंद करने का नहीं है। मैं आपको अवेयर करूंगा, फिर आपको फॉलो करना नहीं का वो आपकी मर्जी है, और हर ज्ञानी पुरुष ये करते हैं, वो अवेयर करते हैं, वो कानून नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? दादा भगवान ने कहा हमारे यहां कौन सा लो है? नौ लो लो। अगर कानून बना
बना दिया तो क्या कि लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे या तो उससे निकलने का बहाना निकालेंगे। मुक्ति का मार्ग घाटी लिए और स्वतंत्र है। आपको प्रगति करना है तो आपको प्योर बनना है, नहीं करना है तो नहीं बनो, वो आपकी मर्जी की बात है। मैं कहूंगा आपको प्योर होना ही पड़ेगा। क्यों? बहस का मालूम है सर, अभी आप समझ गए। बताओ, ऐसा कोई फिजिकल चेंजेस नहीं होता है, फिजिकल नहीं, मगर हमारी जो भावनाएं होती है उसमें अचूक असर होती है। अब कोई अच्छी बातें पढ़ते हैं तो उनका भी इफेक्ट होता है, कोई बुरी बातें पढ़ते हैं तो इसका भी इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट तो होना ही है। हम कोई पिक्चर देखते हैं तो भी इफेक्ट होती है, कोई कहानी पढ़ते हैं तो भी इफेक्ट होती है, कोई दृश्य देखते हैं तो भी इफेक्ट होती है, तो इफेक्ट होना ही है, वो तो होगा, उसमें कोई गलती नहीं है। मगर जो इफेक्ट होती है वो हमारे ध्येय के अनुरूप है या ध्येय से दूर जाने वाली है, इतना देख लेना है बस। हमारा गोल की ओर आगे ले जाती है इफेक्ट या उसे गलत रास्ते पर ले जाती है, बस वहां अवेयर होने की जरूरत है। नहीं नहीं देखो, एक सिंपल बात है कि कोई भी प्रकार की रिचुअल्स जो आप फॉलो करते हैं, जैसे माला गिनना, तो जब बिगिनिंग के अंदर आपने पढ़ के सुन के या किसी के आशीर्वाद से आपने ये काम शुरू किया माला गिनने का, तो बिगिनिंग में आपका इंटरेस्ट रहेगा और जैसा इंटरेस्ट रहेगा तो इसे आप माला गिनते हैं तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा एक्शन के ऊपर, और माला गिनते समय आप क्या बोलते हो इसमें कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो नेचुरली एकाग्रता से बेनिफिट होता है, हमारी एनर्जी सेव होती है, ये पूरा साइंस है। ये पांच इंद्रियों से हमारी एनर्जी जो होती है, आत्मा की जो शक्ति स्वाभाविक शक्ति, वो वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है? बट वेन यू सेंट्रलाइज योर पावर, आत्मा की शक्ति तो है वो बर्थ नेचर निकलती है, हम निकालते नहीं है, ये बर्थ नेचर होती है, उसको आपने सेंट्रलाइज कर दिया, जोड़ दिया, तो वो शक्ति बढ़ जाएगी। क्या होगा? यहां से वेस्ट होती थी वो बढ़ जाएगी, और वो पावर आप जहां भी जो लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं एनर्जी के फॉर्म में वो काम करेगा। इसको शक्ति पावर बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बोलते हैं, आप समझे ना? तो वो तो हेल्प करेगा, मगर कभी ये पावर आने के बाद हम उसको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, सही रास्ते पर भी ले जाते हैं। जैसे कई लोग मेरे को प्रश्न करते थे विदेश के अंदर कि स्वामी जी हम तो योगा करते हैं तो हमारी फिटनेस अच्छी रहती है, ये तो अच्छा है ना? उनका योगा करना गलत नहीं है, मगर योगा करने के बाद आपकी फिजिकल फिटनेस जो अच्छी होती है उसका मकसद क्या है? क्या पांच इंद्रियों को विषयों की भुगतान करना है? तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। आध्यात्म की साधना करना है? यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो योगासन गलत नहीं है। आपका इंटेंशन क्या है? ये एनर्जी को प्राप्त करके आप कहाँ यूज करना चाहते हैं, उसके अंदर प्लस क्या माइनस हो सकता है? तो हम ये नहीं कहेंगे योगा गलत है, इसीलिए कहा इंटेंशन। पहले भी मैंने बताया था सबके पीछे इंटेंशन वो बड़ी चीज होती है, और इंटेंशन के आधार से आपको बेनिफिट या भौतिक विकास या आध्यात्मिक विकास हो सकता है। रिचुअल्स या मेथड कोई भी क्यों ना है, मेथड के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो ही काम करेगा, आप समझे? तो ये ज्ञान के अंदर अंदर झांकना, अंदर अपने आप को देखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं? आध्यात्म मार्ग को साइंस इसीलिए कहा गया है ताकि वो एक्सपेरिमेंट है, और पूरे ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस इसके अंदर हो सकता है, और हर ज्ञानों ने अंदर ही किया है, बाहर नहीं किया है, और तभी अंदर ही ज्ञान, अंदर जो था वो ओपन हो गया है, बाहर से ओपन नहीं करना है। जो भी कुछ सोच मिली, समझ मिली, जो कुछ भी ज्ञान मिला, वो ज्ञान का उपयोग उन्होंने अंदर किया, कैसे करके मैं अपनी रॉन्ग बिलीफों को खत्म कर दूंगा।
कैसे में भौतिक चीज में आनंद है वो बिलिख को मैं तोड़ दूं, आप समझे ना। तो उसका जो उपयोग है, तो उपयोग के पीछे बिना इंटेंशन उपयोग कैसे रहेगा वहां, तो इंटेंशन के आधार से वो उसका उपयोग रहेगा। और अध्यात्म के मार्ग में प्रयोग होता है, एक्शन नहीं होता है, और धर्म के मार्ग में एक्शन होता है जिसे पाप पुण्य बनता है। यहां प्रयोग में पाप पुण्य नहीं होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब जितना भी आप समझ सको वो आपके लिए प्रगति के लिए आपको हेल्पफुल होगा। मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूं और आगे जा चुका हूं वही अनुभव का रास्ता मैं आपको बताता हूं, किताबों का रास्ता नहीं बताता हूं आपको। मैं जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा हूं वही मार्ग आपको बताता हूं। और इसीलिए जितने भी मैंने उत्तर होंगे उसमें पावर होगा, क्या होगा, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज नॉट अ नॉलेज, अनुभव है। तो आपको एक आत्मविश्वास आएगा, हम भी कर सकते हैं, आपके पास सामने एग्जाम्पल है, क्या है। बट जब मैं कहूंगा कि देखो मैंने पढ़ा है, मैंने सोचा है, मैंने समझा है, मैंने सुना है, वो बात मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं, तो आपको आत्मविश्वास क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कहने वाले को भी अनुभव नहीं है। नहीं समझे तो आपको विश्वास आएगा, आपको ट्रस्ट आएगा, भले आप सुनते रहोगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन ये है कि भी और कोई ऑप्शन नहीं है तो ये सुनते हैं, तो कुछ गलत तो है नहीं कुछ, मगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रामायण हजार बार सुन लो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि कहने वाले के पास भी अनुभव नहीं है कि हु इज राम, क्या बताया, ये तो बाहर के राम का ही अनुभव बताएंगे। किसका बताएंगे, जिसको जला दिया गया। एम आई राइट और रॉन्ग? और हमको अंदर के राम की जरूरत है जो कभी जलता नहीं, समझे। तो ये तो वही बात होगा ना, द स्टोरी इज वेरी गुड बट इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर मुक्ति। कहानी तो अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है, और लाखों लोगों को प्रेरणा करती है जीवन जीने के लिए, मगर मुक्ति के मार्ग में सही नहीं है। संसारिक मार्ग में अच्छी है कहानी, ताकि हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा करें। अफकोर्स अफकोर्स, इसीलिए तो कहानी करते हैं ना। कहानी का मतलब क्या होता है, कि लोग उनमें से कुछ प्रेरणा देके आगे बढ़े, अपना जीवन सवारे, सुधारे, अच्छा बनाए, वही तो प्रयास होता है। और वो सही है, कहीं हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो मेलबोर्न के अंदर, तो एक भाई ने कहा कि स्वामी जी आप इतना अच्छा बढ़िया प्रवचन करते हो, हर व्यक्तियों के प्रश्नों का समाधान देते हो, तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये ज्ञान तो हजारों लाखों लोगों को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है। मैंने बोला देखो ये मत समझो कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उनके ग्राहक ज्यादा होते हैं, नहीं समझे। जिसकी वैल्यू ज्यादा होते है उनका ग्राहक ज्यादा है ये मत समझो, जिसकी वैल्यू कम है उनके ग्राहक ज्यादा है। दिस इज अ फैक्ट, एम आई राइट और रॉन्ग? इसमें सब कुछ आ गया। तो प्रश्न करने वाले तो करेंगे, वो तो उनको पूछने का, प्रश्न करने का अधिकार है। जी हम जानते हैं जैसे खाने का बाहर खाने का जी 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 और वो छोड़ नहीं पाते, नहीं पाते हम जानते हैं कि ये देह की अनुरूप नहीं है भैया, तो ये मालूम तो होता है जी, उपयोग में रहते हैं फिर भी नहीं छोड़ पाते, तो उस समय क्या करना चाहिए? दृष्टि बदलो, भाव बदलो, दैट्स इट। इसको बदलने का प्रयास करने का मतलब होता है वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये सोच ही गलत है कि हम इसको बदल सकते हैं, अगर बदल गए तो भी नहीं बदल सकते, मतलब ये ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए। कई लोग नहीं कहते, जो सुन के नहीं समझते हैं ना वो हार से झुक जाते हैं, तो वो झुक गया मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने हमारी बात स्वीकार लिया, वो मजबूरी। और डॉक्टर ने कहा
पहले तो हम मसाला खाते थे, पान खाते थे, चबाते थे, लोगों कहते देखो उसमें क्या आनंद आता है, लोग कहते भी थे परिवार वाले बाहर वाले कि उसमें क्या आनंद है, एक न एक दिन आपका शरीर बिगड़ने वाला है क्योंकि चीज तो सही नहीं है, भले अभी आपको आनंद आ रहा है, हम स्वीकार भी करते हैं मगर उसका एंड अच्छा नहीं है, उस समय आपने नहीं स्वीकार किया। और जब रिजल्ट आया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा अगर आपको जीवित रहना है तो इसको बंद करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे, करना ही पड़ेगा, तो ये बंद किया वो क्या पुरुषार्थ नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ये परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन करना भाव सत्ता है, इंटेंशन है, वहां आप चेंज कर सकते हैं, वो बीज के फॉर्म में है और एक्शन के फॉर्म में वो रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर से आप भाव बदल सकते हैं, अपना आशय बदल सकते हैं, इतना ही हमारे पास फ्रीडम है। भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं, जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव नहीं बिगड़ा। पर स्वामी जी क्रिया कम और भाव ही ज्यादा बिगड़ा है, तो वहां जागृति हुआ है, चिंता वैल्यू तो भाव की, दिखने में तो खूब बढ़िया दिखेंगे, अच्छे भले घराने के हैं, भले लोग हैं, पैसे वाले हैं, फलाना ढिकड़ा, लेकिन अंदर में कितने भाव बिगड़े होते हैं। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलयुग एंड सतयुग, इन सतयुग द पर्सन दे आर मे बी इकोनॉमिकली दे आर पुअर बट दे आर विथ कैरेक्टर, एंड इन कलयुग पैसे वाला है या कम पैसे वाला है बट दे आर कैरेक्टरलेस, एंड दैट इज द कैपिटल ऑफ ह्यूमन नॉट कैपिटल ऑफ सोल, ये व्यक्ति की मुड़ी है, कैपिटल है कैरेक्टर, लोग शहीद हो जाते थे कैरेक्टर के लिए, और आज कैरेक्टर लेस होना आसान हो गया, तो एक वैल्यू होती है एज अ ह्यूमन वो खत्म हो जाती है, ये हमारा प्रगति नहीं, दैट इज नॉट अवर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट विनाश की ओर जा रहा है, क्या है भले हमको दिखता है सुविधा फैसिलिटीज, ये विनाश की ओर जा रहे हैं, ये विकास की, जहां मानवता सेंटर में नहीं है वो कोई भी प्रगति विनाश की ओर जा रही है, मानवता सेंटर में होनी चाहिए। एक आम इंसान को कैसे हम लाभ पहुंचा सके, ऐसी सोच होनी चाहिए, ये तो क्या है मैं बड़ा भाई हूं मेरे साथ छोटा भाई है तो मैं पैसा कमा के आनंद कर रहा हूं, भला उनको जो होने वाला है होगा, कभी मांगने के लिए आ गया तो टुकड़ा दे दूंगा, मेरा भाव नहीं है, आप समझे, बिकॉज आई एम नॉट ह्यूमन, आप समझे ना, और मानवता किसको कहेंगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे सामने गरीब रहते हैं तो मैं कहूंगा उनको बांटते रहूं, आखिर बांटना ही तो मेरा फर्ज है, मैं खाऊं पीऊं अच्छी तरह से कोई तकलीफ नहीं, मगर और ज्यादा है तो उसको बांटो, ये ह्यूमैनिटी है, ये कि डोनेशन नहीं है, इट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन। देखो आप ब्रॉड विजन से देखोगे तो एक व्यक्ति जो आज सामान्य घराने की थी, जिसके पास खाने का पैसा नहीं था, रहने का घर नहीं था, और आज उनके पास महल जैसा मकान है और करोड़ों रुपये की संपत्ति, वो कहाँ से आई, ऊपर से आई कि समाज में से आई, बस समाज से आई, अभी आपके पुण्य से आई, आप खाओ पियो बाद में बांटते रहो, तो ये वेस्ट नहीं है, दिस इज योर गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट बर्थ। आपको समाज में से मिला आपका पुण्य है, समाज में बांटा वो आप क्रेडिट है, नेक्स्ट बर्थ में वहीं से भी वापस आएगा, दैट इज द साइकिल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट। और आप क्या समझते हैं मैं किसी को बांटूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं है, सोच सही नहीं है, साथ ले गया पैसा तो नहीं ले जाएंगे मगर बांटा हुआ साथ में आएगा, साथ क्योंकि लोगों का जो हार्ट आपने जो खुश किया है तो वो तो आएगा साथ, जो खर्च करोगे अपने साथ पैसा तो साथ में नहीं आएगा। पैसे से कितना प्रेम व्यक्ति को होना चाहिए, पैसे से कितना प्रेम, दूसरी बात जब पैसा किसी खास के लिए यूज हो रहा है तो पैसे का जो व्यय जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो अपने रिश्तेदार या अपने क्लोज व्यक्ति के अनुसार कितना बढ़ता रहता है, तो कितना बढ़ना सही है क्या, जैसे दूसरा प्रश्न मैं नहीं समझा, मेरा तो रिश्तेदार हॉस्पिटल में और तू रिश्तेदार मेरे मन में मुझे उसकी हेल्प मिली तो मैंने सोचा जो 10,000 की मैं हेल्प कर दूंगा, पर मुझे लगा खर्चा 50,000 आ रहा है तो 10,000 की हेल्प मिलेगी।
मैं घूम गया पैसे से कि मैं सक्षम बन गया, उसी की जगह मेरा कोई खास मित्र या कोई खास रिश्तेदार या अपना ही कोई परिवार का सदस्य, तो मैंने लाखों खर्च कर दिया। फिर लाखों खर्च करने के बाद मेरे मन में भाव आ रहा है कि ज्यादा खर्चा हो गया, मेरे को उतना नहीं करना चाहिए, शायद थोड़ा कम करना चाहिए था। फिर मेरा कोई और विशेष अगर गलती होता है और मैं 1 करोड़ भी लगा देता हूँ, उन लोगों की पूरा निकल जाए और व्यक्ति बन जाए, तो भाव का जो इस प्रकार का ऊपर नीचे का जो ये समीकरण है और जो पैसे का जो इस हिसाब से आपका और पैसे के बीच का जो रिश्तेदार है रिश्तेदारी है, ये क्या है ये बताओ। मैं देखो इस प्रकार की सोच तो रहेगी हर व्यक्ति के अंदर रहेगी, मगर हमारे में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। मैं आपको 1 पैसा नहीं दे सकता हूँ एज पर माई एबिलिटी और कैपेसिटी, मगर मैं आपके लिए भाव कर सकता हूँ कि भगवान वो व्यक्ति बीमार हो गया है, कम से कम वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, इतना तो भाव कर सकता हूँ। मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूँ, पैसा देना न देना वो कर्मों का खेल है, क्या है दे सकते हैं तो इट इज़ गुड फॉर सोसाइटी, मैं नहीं कहूँगा गलत है, मगर भाव तो कर सकते हैं एज अ ह्यूमन। कोई भी व्यक्ति अगर भिखारी भी है तो अमीर व्यक्ति के लिए भाव कर सकता है, अगर वो बीमार है तो उनके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा किया कि हम भाव से काम लेंगे, खर्चा भी नहीं करेंगे, तो इतना ध्यान रखना कि भाव का फल नेक्स्ट मंथ में आता है और खर्चा का फल अभी मिलता है। मैंने पहले भी कहा भाव तो आपका इन्वेस्टमेंट है, पहले मैंने नई बात नहीं बताई है, भाव इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ, और अभी जो एक्टिविटीज कर रहे हो फिजिकल उनका रिजल्ट भी मिलता है। मैं जो नौकरी करूंगा तो सैलरी मेरे को इस बर्थ में मिलेगी, नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलेगी, शादी करूंगा तो बीबी अभी मिलेगी, नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलेगी, ये फिजिकल मैटर है, और भाव है वो कैपिटल है, वो उसका रिजल्ट नेक्स्ट अभी इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स 100%। तो आधा काम हो जाएगा आधा पैसे से डिबेट नहीं करो, मैं कहां मना करता हूं। मुझे इसमें आप एक पहले सवाल का जवाब दीजिए, दूसरे सवाल में जो व्यक्ति के अनुसार आपके पैसे का व्यय करने की स्थिति है उससे बदलाव आता है, उस बदलाव को सही करना सही है या बदलाव कुछ ऐसा ही रहे कोई सी पड़ोसी के लिए 10 लाख के लिए ठीक है, हाँ आपके लिए 5-10 लाख ठीक है, देखो के लिए 15-20 लाख ठीक है। मेरी बात सुनो, आपकी जो आपका जो प्रश्न का बेस है वो मनी रिलेटेड है, अमाउंट रिलेटेड है, और मैं कहता हूँ अमाउंट पे मत जाओ, आप सोच रखो कि हाउ आई कैन हेल्प टू द अदर पीपल, दैट्स इट। फिर कितना करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं वो छोड़ दो, आप समझे, मगर बेस रखो, बेस समझते हैं ना कि मैं किसी को कैसे हेल्प कर सकूँ, ऐसी मेरी सोच होनी चाहिए, इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द अमाउंट। फिर भाव से भी हेल्प करो, प्रार्थना से भी हेल्प करो, पैसे से भी हेल्प करो, कोई साधन से भी हेल्प करो, फिजिकल कुछ काम करके भी हेल्प करो, कोई किसी को मेडिसिन देके, किसी को फीस देके, किसी को कपड़ा देके भी हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, मगर हेल्प करना वो सब में कॉमन बात है, तो नेचर रखो हेल्प करने का, बाकी जो होता है वो संजोग के आधार से होता रहेगा। हेल्प करना है ऐसा भाव एज अ ह्यूमन होना चाहिए, वहाँ तक हम ह्यूमन है। अगर हम कहेंगे कि जो कुछ भी है वो मेरे लिए सोचूं, दुनिया तो उसको जो होने वाला है होगा, ये ह्यूमैनिटी का नेचर नहीं है, आप उससे गिर गए, एनिमल हो गए। एनिमल की सोच कितनी होती है, खुद के लिए, मेरे को खाना मिला बस सो गए, ऐसा नहीं कहेंगे शेरी में 6 कुत्ता है वो क्या करता है वो सोचेंगे, मगर हम तो ह्यूमन है भैया, हम एनिमल नहीं है, तो हमारी सोच उससे बड़ी होनी चाहिए, भले हम फिजिकल फॉर्म में कर सके या ना भी कर सके, मगर भाव या सोच तो बड़ी होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग कहते थे, एक महात्मा ने कहा कि स्वामी जी हमने धर्म के बारे में आध्यात्म के बारे में ऐसा सुना है कि हम किताबें पढ़ के अपने आप को खोज सकते हैं, कोई ज्ञान बिना ज्ञान पाए भी हम अपने आप को खोज सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है,
पढ़ा है, तो क्या ये सही है? मैंने बोला ये सही है और सही नहीं है। क्या बताया? सही है उनके लिए जिनके पास केवल दर्शन हो गया है, उनको किताब या कोई बाह्य संजोगों की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए सही है। मगर जो जिनको अभी ये यूनिवर्सल बुद्ध का ज्ञान नहीं हुआ है, सच्चाई मालूम नहीं हुई है, उनके लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की जरूरत है। उन्होंने कहा क्यों, क्या हम अपने आप को विकास नहीं कर सकते? मैंने बोला अगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये मेरे उत्तर से आपको समझ में आ जाएगा। आप बीमार होंगे तो MBBS की किताब पढ़ोगे या डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास। क्यों? ज्ञान तो है किताब में। इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम आएगा, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की किताब पढ़ूंगा या उनके पास जाऊंगा? मेरे को कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है तो मैं इंजीनियरिंग किताब पढ़ूंगा या इंजीनियर के पास जाऊंगा? यहाँ सब जिंदा चाहिए और यहाँ किताब चलेगी? आप समझे, ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, मैं मना नहीं करता। तो कहने का मतलब ये ज्ञान, ज्ञानी से हर फील्ड का एक ज्ञानी होता है, जिनकी कैपेसिटी है उन फील्ड की, तो उनकी सहाय लेना हमारे लिए आसान है। हर फील्ड के अंदर किताब पढ़ के ज्ञान पाना सबके लिए संभव हर फील्ड में नहीं है। हम मास्टर भी बन सकते हैं एक फील्ड में, हर फील्ड में तो नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए जो फील्ड में हम मास्टर नहीं है उसका ज्ञान किसी के पास से लेना वही आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे बढ़ने के लिए। आप खुद पढ़ने जाओगे तो नहीं समझ में आए, बिकॉज आपकी आपकी लेवल डेवलपमेंट नहीं है जो आप बात समझ सको। उसमें किताब में गलती नहीं है, आपकी दृष्टि में गलती है। जब आपके पास दृष्टि सम्यक होती है तो गलत किताब भी आपको हेल्प कर सकती है, जब आपके पास दृष्टि मिथ्या है तो सही किताब भी गलत रास्ते पर ले जाएगी। दादा भगवान ने बोला भोगवे तैनी भूल, क्या बताया? तो मेरे को इसका ये उपयोग करना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी भुगतान आती है इसमें मेरी गलती है, डोंट कंप्लेन टू एनीबडी, ये इसके लिए मैं उपयोग करना है ज्ञान, इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि वाले क्या है, किसी को चाटा लगा देंगे भोगवे तैनी भूल, तो फिर क्या हुआ? ज्ञान तो वही है ना, उपयोग गलत है। कहने का मतलब ज्ञान है और ज्ञान का उपयोग, ये बहुत, इसलिए मैंने कहा इंटेंशन, क्या बताएं, हर एप्लीकेशन के अंदर इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है। आपका आशय क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एक्शन के ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इंटेंशन है। बिल्कुल वही तो बताता हूँ ना, या यू आर राइट, बिल्कुल बिल्कुल बदल जाता है। भले दोनों का एक्शन इक्वल है मगर इंटेंशन अलग है, तो एक दोषी भी होता है एक निर्दोष भी होता है। भले फिजिकल एक्शन इक्वल है फिर भी वो बराबर है, सब बात सही है। तो बहुत बड़ी चीज है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? केवल दर्शन, केवल दर्शन का मतलब होता है ये जो दुनिया चलती है ना, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस चलती है, ये सब कुछ अपनी दृष्टि में खुला होता है। क्या बताया? ये दुनिया कैसे चलती है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन चलती है, कौन से कानून से चलती है, कौन से नियमों से चलती है, उसका ज्ञान हो जाना संपूर्ण, इसका नाम है केवल दर्शन। और बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं होता है। ये जो जैसे सत्संग में आए और ये जैसे पूर्ण करने की बात करते हैं, तो मैं तो इसको पर समझता हूँ पिछले जन्म का, मैंने समझा नहीं पूरी करने की बात है ना। जैसे मैंने किसी को दान दिया और कुदरती रूप से मेरी भावना ये दान दी, तो ये जो दान दिया तो मैं तो इसको व्यक्ति मानता हूँ। आप क्या मानते हो? हाँ।
फल मानते हैं। ओके ये सत्संग में आना बराबर है, फिर बस यही बराबर है। देखो आपका आशय अगर मोक्ष में जाना है तो ये बात सही है, अगर आपका आपका इंटेंशन भौतिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो आप कहोगे मैंने दान दिया तो पुण्य बनेगा और फल भी मिलेगा, और मोक्ष में जाना है तो ये उदय कर्म है, पुण्य की जरूरत भी नहीं है पाप की जरूरत है। तो आपके फिर भी वही बात आई, इंटेंशन क्या है सेंटर में क्या है वही बात आती है ना, आप कैसा भी पुरुषार्थ करो बीच में क्या आता है एक्शन नहीं आता है इंटेंशन। अर्निंग आपके हाथ में है, कैसे अर्निंग कर रहे हैं? क्या बोलिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जीवन की प्रगति है, या जोर से जोर से दुनिया में जो प्रगति चल रहा है, हाँ उसका पढ़ा ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। हाँ फिर और पूरा संसार ज्ञान ही ज्ञान में चल रहा है। ओके ए से लेके जेड तक ब्याज हमारे देश की मुद्रा से बंद हुई है, आगे बैंक बंद हो गए, एक नंबर का पैसा भी हो गया, एक नंबर का पैसा। ओके हमने 50 करोड़ में जमा कराया बैंक 1 लाख रुपये बंद हुआ और बाकी क्या गया, बाकी बैंक पे लोन है। अभी संसार में बंदी चल रहा है, बत्ती चल रहा है, मंदी सॉरी सॉरी मंदी चल रहा है। तो ये मंदी कहाँ से आती है? ऊपर वाला देखता है, प्रकृति देखती है, ये लाई जाती है, आती नहीं। प्रश्न खत्म हो गया, मंदी लाई जाती है, आती नहीं। ओके बड़े लोगों द्वारा इसको फेंका जाता है। ओके ओके भाई साहब का प्रश्न ये है, बहुत सारी बातें करने के बाद उन्होंने शॉर्ट में ये कहा कि मंदी लाई जाती है या हमारे ऊपर थोपी जाती है बड़े लोगों के माध्यम से, सरकारी कानूनों से या बड़े पैसे वालों से मंदी थोपी जाती है हमारे ऊपर या अपने आप आती है कुदरती, ये उनका प्रश्न है, बराबर है। तो देखो ये तेजी मंदी का जो चक्र है, तेजी मंदी का चक्र वो कैसा चक्र है, तेजी और मंदी दोनों के अंदर हर व्यक्ति सफल नहीं होते हैं, कहीं लोग ऐसे होते हैं मंदी में सफल होते हैं और कहीं लोग ऐसे हो जो तेजी में सफल होते हैं। सफलता निष्फलता वो हमारे कर्मों के ऊपर मुताबित है, तेजी मंदी के ऊपर मुताबित नहीं है, नंबर एक। नंबर बे आपने पहली बात कहा, पहला प्रश्न ये कहा था कि करेंसी सब फेग लगती है, ये बनाई गई है, आप समझे ना, जो दुनिया में जो कम चल रही है अलग अलग कंट्री की। तो देखो पैसा पैसा सुख देने का साधन नहीं है, और पैसा ज़्यादा होने से हम बड़े नहीं हो जाते हैं और कम होते हैं तो छोटे नहीं हो जाते हैं, मगर पैसा विनिमय का कॉमन माध्यम है, कॉमन यानी पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। पहले जब साटा पद्धति थी, साटा पद्धति समझते हैं, एक्सचेंज मटीरियल टू मटीरियल बार्टर सिस्टम, तो उस समय क्या था, लेन देन में दिक्कत आती थी, मेरे को गेहूं लेना है और चावल बेचना है, मगर वो गेहूं लेना चाहिए उनको और वो भी डिपेंड ऑन मेरी मजबूरी क्या है उसके मुताबिक उसका रेट मिलता था बार्टर पद्धति में, और कभी फेल भी हो सकते थे, मेरे को नहीं लेना है गेहूं तो क्या करूंगा मेरे पास चावल है आपको चावल चाहिए मगर मेरे को गेहूं नहीं लेना है तो मैं चावल क्यों दूं आपको, तो ये दिक्कत होती थी बार्टर पद्धति में। तो इसीलिए वर्ल्ड में फिर करेंसी निकली कॉमन, ताकि आप कोई भी चीज उससे ले सके, और बाद में धीरे धीरे करेंसी में चीजों की वैल्यू डिसाइड हुई, क्या हुई क्या उनकी कीमत, और कीमत भी कैसे डिसाइड हुई, जो समाज में जो चीज है अस्तित्व में उनमें डिमांड और सप्लाई के ऊपर उसकी प्राइस बनी, क्या बनी, लोहे की कीमत कम
और सोने की कीमत, उनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई, और लोहे की सप्लाई ज्यादा है और सप्लाई ज्यादा है और डिमांड, तो ये ऐसे सब नेचर बन गए, किसी ने बनाया नहीं है, बनाया जाता भी नहीं है। हाँ निमित बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, निमित बन सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इसीलिए हम किसी के ऊपर ब्लेम करें, क्लेम करें, वो ठीक नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सोच के मुताबिक काम करती है और करती रहेगी, उनको संजोग मिलेगा तो, और सफलता और निष्फलता वो उनके आधार पर नहीं है। हर व्यक्ति बिजनेस करती है पैसा कमाने के लिए, राइट और रॉन्ग, मगर हर व्यक्ति सफल होती है ऐसा जरूरी नहीं है, प्रयास तो करती है ना। ऐसे हर व्यक्ति जो अपने स्टेज पर आती है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो अपना स्टेज है कि जो देश में जो कुछ करवाना चाहते वो करवा सकते हैं, उनका एक लेवल आया अभी, जो पहले जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे तब वो नहीं करवा सकते थे नेशनल लेवल पे, ये उनकी कैपेसिटी है, अभी ये लेवल पे आया तो उनके मन में जो कुछ विचार आएंगे वो इम्प्लीमेंट तो करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि वो सफल ही होंगे या निष्फल ही होंगे, वो समय बताएगा, क्या बताएगा। कभी ऐसा होता है गलत स्टेप लेते हैं सफलता भी मिलती है, कभी ऐसा होता है सही स्टेप होता है सफल नहीं भी होता है। हमारे सबके जीवन मालूम है, हम कोई अच्छा करना चाहते हैं सफलता नहीं मिलती है, और जो बुरा कर देते हैं सफल हो जाते हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में होगा, इसीलिए हमको इस बड़ी दुनिया को छोड़ के इतनी दुनिया को देखना है कि आखिर इसके ऊपर कितनी इफेक्ट होती है, किसके ऊपर, मेरी दुनिया क्या है। अगर ये दुनिया नहीं है तो बाहर की दुनिया है, हमारे को कितना सोचना है इसके, उनके साथ जुड़े हुए सत्ता संपत्ति संबंध, उनके साथ मेरा क्या रिलेशन है और मैं कैसे उसको नॉर्मल बना के, या तो जो परिस्थिति है मैं उसमें नॉर्मल रह सकूं, ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। चाहे मैं पैसा वाला हूँ, चाहे मध्यम हूँ, चाहे गरीब हूँ, मैं अपने हर व्यवहार में कैसे नॉर्मल रह सकूँ, ये हमारी सोच इंडिविजुअल होनी चाहिए। बाकी दुनिया तो हम बदल नहीं सकते, आप समझे ना। तो इसीलिए दुनिया की सोच करोगे तो टेंशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जैसे युवानी होती है ना, युवानी 18 साल 20 साल का लड़का होता है तो वो क्या बोलता है, दुनिया को बदल दो समाज को बदल दो, यही बात करता है। जब शादी करता है तो बीवी कहती है कि जो बाथरूम का जो डोर है 6 महीने से बोल रहे हो वो बदल दो तो भी दुनिया बदल गई। तो कहने का मतलब ये सब परिस्थिति के आधार पर है, क्या है, तो वो सब वो लोग अपने स्टेटस के आधार से, सिचुएशन के आधार से अपनी बात बताने की कोशिश तो जरूर करेगा, मगर उसका मतलब ये नहीं कि सच्ची बात है तो सफल होगी ही और गलत बात है तो निष्फल होगी ही, ये भी जरूरी नहीं है। आपको तो हम सबको तो मालूम है कि 2 नंबर का बिजनेस क्या आज से चल रहा है, चल रहा है, तो बीच में ऐसा बम आएगा, बम फिर समझते हैं ऐसा आएगा, सब अपना अपना प्रयास तो करेंगे ना भाई, नहीं करेंगे, घर में हर लोग कुछ बुरा काम करते हैं, तुम तो प्रयास नहीं करते, समझाने की कोशिश करते, कभी धमकी देते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी खाना नहीं देते, कभी निकाल देते। प्रयास का मतलब क्या है कि उनकी उनकी जो कमजोरी है वो चली जाए, ये तो होता है ना, मगर कभी हम सफल भी होते हैं कभी निष्फल भी होते हैं, हो सकता है ना, हमारा नियत साफ है, इंटेंशन सही है, मगर रिजल्ट आ भी सकता है नहीं आ भी सकता। ऐसे हर व्यक्ति के लिए यही सोचना का, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई काम, कोई व्यक्ति अच्छा काम करती है तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही, आ भी सकता है नहीं अभी आ सकता है, क्योंकि दुनिया, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं दुनिया चलाता हूँ। दुनिया की बात तो छोड़ो, उनका परिवार भी चलाने के लिए वो सक्षम नहीं है, घर में 4 व्यक्ति है ना, बीवी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उनको संभालना भी आसान नहीं। तो फिर दुनिया की क्या बात करेंगे, हर व्यक्ति अपने लेवल से प्रयास करते हैं, सफल भी हो गए निष्फल भी हो गए। समय हो गया, लास्ट में प्रार्थना बोलते, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, ऐसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है,
भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के बस मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।